हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर फीबी मसी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट साईं बाबा वेमेंस हॉस्पिटल रायपुर। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के मुख द्वार का कैंसर होता है और ये भारत में पाए जाने वाले महिलाओं में दूसरा प्रमुख कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। विडंबना ये है कि इस कैंसर से दो तिहाई मौतें भारत में ही होती हैं। इस कैंसर से पूरी तरह बचा जा सकता है और ये कैंसर के अगेंस्ट में वैक्सीन भी उपलब्ध है। ये कैंसर के लक्षण क्या हैं और ये कैंसर क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये जानने के लिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। ये कैंसर का 90% कॉज HPV वायरस है, जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ये वायरस मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही पाया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक इसमें ऑन्कोजेनिक वेरिएंट होता है और एक नॉन ऑन्कोजेनिक वेरिएंट। ऑन्कोजेनिक वेरिएंट जो होते हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं और ये मुख्यतः महिलाओं में ही पाए जाते हैं। इसके ऑन्कोजेनिक वेरिएंट्स में 40 तरह के होते हैं, जिसमें प्रमुखतः भारत में पाया जाने वाला 16, 18, 31, 35, 45 हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा, इन जगहों के भी कैंसर कॉजिंग है। ये वायरस किन महिलाओं में होने की संभावना अधिक होती है? ये उन महिलाओं में अधिक पाया जाता है जिनकी महावारी जल्दी शुरू हो गई है या जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी शुरू हो गई है, जिन्हें दो से अधिक बच्चे हैं, यानी कि बच्चेदानी में बार बार चोट लगी हो या घाव हुए हों या लगातार इन्फेक्शन हो रहे हों, जिनकी इम्यूनिटी नीचे हो, जैसे कि HIV वगैरह इन्फेक्शन हो उनको, या जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों या उनके सेक्सुअल पार्टनर्स उन्होंने मल्टीपल लोगों से संबंध बनाए हों या असुरक्षित यौन संबंध रखे जाते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक पाई जाती है। इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि इस कैंसर के भी हम बचाव हो सकता है। ये कैंसर का इन्फेक्शन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होने से कैंसर के डेवलपमेंट में 10 से 15 साल की अवधि बीच में होती है, जिस दौरान अगर हम इस कैंसर को पकड़ लें, जिसे हम प्री कैंसर स्टेज कहते हैं, तो इसका हमारा बहुत ही सरल उपायों से इस कैंसर के रोकथाम की जा सकती है। ये उपाय क्या हैं जिनसे हम ये कैंसर के बारे में पहले से ही सचेत हो सकते हैं, जिसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं। एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसे हम पैप टेस्ट कहते हैं और ये पैप टेस्ट अब अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आसानी से करा सकते हैं। ये पैप टेस्ट के लिए आपका सिर्फ योनि द्वार से आपके पानी का कलेक्शन किया जाता है, उसकी स्लाइड बनाई जाती है और हम इसके उस स्लाइड में हम देखते हैं कि इस तरह किसी तरह के सेल्स के चेंजेस वगैरह तो नहीं आए। अब ये चेंजेस हमारे को अगर पहले से ही सचेत कर देते हैं कि अगर आपको कैंसर आने की संभावना है या नहीं। दूसरा टेस्ट होता है जिसे हम को टेस्टिंग कहते हैं, यानी कि पैप टेस्ट के साथ हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में भी टेस्ट किया जा सकता है। तीसरा टेस्ट है बायोप्सी। अगर आपकी पैप टेस्ट में हमें ये लगता है कि वहाँ पर संभावना है कैंसर आने की, तो हम उस जगह पर जहाँ से हमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं, एक छोटी सी बायोप्सी लेकर भी हम जान सकते हैं कि ये स्टेज कौन सा है, क्या ये कैंसर में परिवर्तित हो गया है क्या। ये टेस्ट, पैप टेस्ट, हमारी युवतियाँ 21 साल की उम्र से करा सकती हैं और हम ये 65 साल की उम्र तक करते हैं। अगर पैप टेस्ट एक बार नेगेटिव है तो उसे 3 साल में दोहराया जाता है और अगर को टेस्टिंग जो होती है वो 30 साल की उम्र से शुरू होती है, यानी कि 20 साल से आप पैप स्मेयर और HPV वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं। ये टेस्ट कराने से अगर आप नेगेटिव हैं तो हर 5 साल में आपको ये टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जान सकते हैं कि कितना आसान है कि हम एक टेस्ट के द्वारा ये जान लें कि आपको कैंसर होने की संभावना है या नहीं। एक और स्क्रीनिंग मेथड है, वो है कॉल्पोस्कोपी। अगर पैप टेस्ट में या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट में आपको पॉजिटिविटी आती है तो हम दूरबीन के द्वारा आपकी गर्भाशय के मुख के द्वार में कुछ केमिकल्स लगा के ये देखते हैं कि कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या, और अगर वो चेंजेस हमें दिखते हैं तो वहाँ से हम फिर से बायोप्सी की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस सिंपल टेस्टों के द्वारा हम इस कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं। ये कैंसर के लक्षण क्या हैं? ये कैंसर के लक्षण हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी कि महावारी बंद होने के बाद अगर आपको रक्तस्राव होता है तो, पोस्ट पार्टल ब्लीडिंग मतलब संबंध बनाने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो,
या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि आपके दो महावारियों के बीच में अगर आपको खून जा रहा है तो महावारी जा रही है, या लगातार आपकी योनि से बदबूदार पानी या उसमें खुजली बने रहना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिसे हम ओवरलुक कर देते हैं और इसीलिए ये कैंसर बढ़ जाता है। अतः अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल के पैप स्मेयर वगैरह करा के अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। विडम्बना ये है कि इस कैंसर के अगेंस्ट में वैक्सीन उपलब्ध है। ये एकमात्र कैंसर है जिसे हम वैक्सीन से बच सकते हैं और ये वैक्सीन मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। हम अपनी युवतियों को 9 से 15 साल की उम्र में 2 डोज लगाकर इस वैक्सीन से उनको जीवन भर की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये वैक्सीन 26 साल की उम्र तक लगाई जा सकती है, और लेकिन इसकी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी चालू होने से पहले हम इसे लगाएं अपनी युवतियों को तो हम उनको 100% तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये वैक्सीन 45 साल की उम्र तक की महिलाओं को लगाई जा सकती है, पर उसमें सुरक्षा की मात्रा कम होती जाती है। महिलाएं अपने आप को इस कैंसर से बचाने के लिए 21 साल की उम्र से पैप स्मेयर रेगुलरली अपने गायनेकोलॉजिकल चेकअप के साथ करा सकती हैं। 30 साल की उम्र से पैप स्मेयर के साथ HPV वायरस टेस्टिंग हो सकती है, जिसके अगर नेगेटिव होने से 5 साल में आपको ये दोहराना होता है। तीसरा ये रहता है कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। और सारी महिलाएँ जो कि 9 से 15 साल की उम्र की हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाए। अगर आपको ये वैक्सीन 9 से 15 साल में नहीं लगी है तो ये 3 डोजेस लगती हैं उस उम्र से ऊपर 45 साल तक। तो आप इस तरह से अपने आप को इस कैंसर के अगेंस्ट सुरक्षित कर सकते हैं। काफ़ी टाइम होता है, यही एक कैंसर है जिसका इलाज भी पूर्णता हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कैंसर आपको हो गया है तो इससे मौत सर्टन है। इसमें अगर स्टेज 1 का कैंसर है तो 90% 5 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अगर हम इसे जल्दी पकड़ लें। फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में सर्जरी द्वारा ही इस कैंसर का इलाज हो जाता है। सेकेंड स्टेज के बाद से कीमो और रेडियोथेरेपी लगती है, जो कि 3rd स्टेज और 4th स्टेज में भी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैंसर अगर हम जितने जल्दी पकड़ लें उतने ही जल्दी हम इसका इलाज संभव है और एक अच्छी लाइफ भी संभव है। अतः महिलाओं से यही निवेदन होगा कि वो अपनी लड़कियों का 9 से 15 साल में वैक्सीन लगाएं, अपना खुद का पैप स्मेयर और HPV टेस्टिंग रेगुलरली कराएं, और कोई भी ऐसे सिम्टम्स जो कि आपको महावारी में अनियमितता दिखा रहा है, या आपको पोस्टकोइटल ब्लीडिंग हो रही है, या आपका मेनोपॉज हो गया है और उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत मिलें और अपना चेकअप कराएं। ये इस कैंसर से पूर्णतः बचाव संभव है।